जन्मदिन की शुभ अवसर पर हम लोग जितना भी है हम लोग संकल्प ले। निश्चित रूप से सांगठनिक चुनाव बीत चुकी है और झारखंड के प्रत्येक कोना से लोगों को मौका दिया, किसी को अध्यक्ष बनाया, किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। हाल ही में हमारे ऐनुल हक अंसारी जी को रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण को बनाया गया और इसी परिप्रेक्ष में हमें भी प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष को अविनाश पांडे जी को, माननीय सुबोधकांत सहाय जी को, राष्ट्रीय नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को कि मुझ जैसे एक दलित परिवार से आने वाले व्यक्ति को प्रदेश का नेतृत्व दिया है, जिम्मेदारी दी है। और साथ ही साथ खूंटी जिला का भी जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से हमारे कालीचरण मुंडा जी चुनाव लड़ते हैं और आज वर्तमान में अर्जुन मुंडा जी वहाँ से सांसद हैं। उससे पहले दसों बार हम लोग कड़िया मुंडा वहाँ से सांसद रहे हैं। तो इस हिसाब से एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमें उस लोकसभा को देखने का एक मौका दिया है। आज ही मैं वहाँ के जिला अध्यक्ष रवि कुमार जी से बात किए हैं कि खूंटी का दौरा करेंगे हम लोग बहुत जल्द, वो लगता है 18 या 19 तारीख को जनवरी को वहाँ जाएंगे और जिला कमेटी के और प्रखंड कमेटी के साथियों के साथ बैठक करके संगठन को मजबूती प्रदान करने का हम दिशा निर्देश जारी करेंगे। और आदेश भी है माननीय प्रभारी की तरफ से कि 20 जनवरी तक हमें सांगठनिक रूप से जिला कमेटी को बनाकर प्रदेश कार्यालय को सौंप दें। तो मेरा प्रयास रहेगा, चूँकि अनुभव मेरा काफ़ी है, 30 साल का अनुभव है और हम जब से रहे पार्टी में प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं 5 साल यूथ कांग्रेस का, प्रदेश में भी यूथ कांग्रेस का करीब करीब हम 3 साल जनरल सेक्रेटरी रहे और रांची जिला ग्रामीण यूथ कांग्रेस का भी 5 साल हम अध्यक्ष रहे और 5 साल लगभग मुख्य कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहे। तो मेरा अनुभव है संगठन को किस तरह से धारदार बनाया जाएगा, इसके है उसका हम लाभ मुख्य खूंटी के लोगों को देंगे। क्योंकि महिलाओं की संख्या हम लोग की बैठक में कम दिखाई देता है तो महसूस होता है कि हम लोग का महिलाओं में कमी है और हम संपर्क हम लोग कम कर पाए होंगे, इसका असर दिखने को मिलता है। इस बार ऐसा नहीं होगा और हमारा व्यक्तिगत लगाव भी है बहुत महिलाओं के साथ में, पार्टी से जोड़ने का मेरा प्रयास है और दिशा निर्देश भी हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी को कहे कि महिलाओं को 33% अगर आरक्षण सोनिया गांधी ने देने का काम किया है तो निश्चित रूप से 33% जो है महिलाओं को भागीदारी हम लोग देंगे। और विशेषकर चुनाव में जब भी लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, महिलाओं की भूमिका इस बार हम लोग कांके विधानसभा में ज़्यादा देंगे, उनको आगे करने का काम करेंगे। 2024 चुनाव नज़दीक है आप लोग की और लगातार संगठन मजबूती की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी अपने ही अंदर में प्रदेश अध्यक्ष के प्रति ही बहुत सारे ऐसे गुट हो गए हैं जिसमें आप कार्य अनुशासन समिति 5 लोगों पर कार्रवाई की अनुशंसा की है, क्या किस तरह संगठन? निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि पार्टी अनुशासित ढंग से चलना चाहिए और जो अनुशासन में नहीं रहेंगे उसके लिए भी तो उसकी कमेटी बनी हुई है। तो इस काम को अनुशासन समिति देख रही है कि कौन कार्यकर्ता कौन नेता पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उसकी एक अलग से टीम है, उस पर काम चल रहा है। मेरा प्रयास रहता है कि जो भी व्यक्ति अगर पार्टी से असंतुष्ट है तो उस व्यक्ति से हम लोग मौखिक रूप से वार्तालाप करें और कोशिश करें कि उसकी शिकायत दूर हो। और प्रयास भी किया गया था जहाँ तक मुझे जानकारी है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट पार्टी से निकाला नहीं जाता है, इसके लिए सो कोच होता है, सो कोच के जवाब अगर नहीं दिए होंगे तब इस पर अनुशंसा किया होगा।
लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को डायरेक्ट निकाला जाता है। सिस्टम है पार्टी चलाने का, अपने अपनी गरिमा है, अपनी अपनी जो पार्टी का सिस्टम है उसके तहत लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज कोई किसी को 6 साल के निष्कासित कर दिया तो हमेशा के लिए पार्टी में नहीं रहेगा, ऐसा भी नहीं है। कुछ दिनों के बाद में उसको वापस भी लाया जाता है। जी सुखदेव भगत जी चुनाव के टाइम में पार्टी छोड़ के चले गए।